सब्सक्राइब करें एवरेज इंडियन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमेशा अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस कोशिश का कोई ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आ रहा है, आपका वजन उतना का उतना ही है या थोड़ा सा कम हो रहा है चाहे आप कितनी ही डाइटिंग और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दोस्तों घबराइए नहीं, आप इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। काफ़ी सारे आपके ऐसे लोग हैं जिनका वजन जो है कई सारी चीज़ें करने के बाद भी कम नहीं होता है। इससे पहले कि आप अपने खुद के कुछ कंक्लूजन निकालें और ये बोलें कि आपका वेट तो कम हो ही नहीं सकता, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, और वो सवाल है कि आप क्या अपनी सुबह की शुरुआत बिल्कुल सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने सुबह की शुरुआत ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आप दिन में जो भी एफर्ट डालते हैं, चाहे एक्सरसाइज करने में चाहे डाइट करने में, वो सब की सब गड़बड़ हो जाती है, उन सब से कोई रिजल्ट निकल के आपको नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सुबह की ऐसी 6 आदतें जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहली आदत है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है वो ये है कि आप सुबह सुबह उठ करके पानी नहीं पीते हैं। दोस्तों एक सबसे आसान तरीका अगर आपको वजन कम करने का है, वजन को लूज करने की स्पीड को बढ़ाना है, तो वो है कि सुबह उठते ही आप खूब सारा पानी पिए। पानी आपके मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो स्मूथ करता है, इससे आपका जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, और साथ ही साथ कई लोगों में पानी पीने की वजह से भूख भी कम लगती है जिससे कि आपका दिन भर का कैलोरी इनटेक कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह उठते ही पानी पिएं। दोस्तों जो दूसरा एक गलती है जो आप सुबह सुबह उठ के कर रहे हैं वो है कि आप जो विटामिन डी है वो बहुत कम ले रहे हैं, और जब मैं विटामिन डी की बात करता हूँ तो मैं सूरज की रोशनी की बात कर रहा हूँ। आपको शायद ये सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा कि विटामिन डी की कमी की वजह से शरीर में वेट लॉस होना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। कई सारी साइंटिफिक स्टडीज़ करी गई हैं जिनमें ये बताया गया है कि सुबह सुबह की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं, वो शरीर को खूब एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो एनर्जी को बर्न करने की, फैट को बर्न करने की क्षमता है वो तेज़ हो जाती है। दोस्तों जो तीसरी गलती आप सुबह उठ के करते हैं वो है एक्सरसाइज नहीं करने की। कई सारी स्टडीज़ ने ये क्लियरली बोला है कि सुबह की एक्सरसाइज जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में मदद कर सकती है और आपका वेट बढ़ने से रोक सकती है। अगर आप खाली पेट सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वजन ज़्यादा लॉस होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप भरे पेट से या शाम के टाइम में एक्सरसाइज करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल इंश्योर करिए कि आप सुबह उठते ही एक्सरसाइज करें या कोई अपने पसंद का स्पोर्ट्स खेलें या कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉकिंग करें। दोस्तों जो चौथा गलती है और ये तो एक बहुत बड़ी गलती है वो ये है कि कई लोग अपने ब्रेकफास्ट को नहीं करते हैं, उसको स्किप करते हैं। दोस्तों ब्रेकफास्ट जो है वो दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है, और उसका एक कारण है जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है, क्योंकि आप जब रात को सोते हैं 9-10 बजे और उसके बाद सुबह जब आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो ऐसे बीच में 10 से 11 घंटे होते हैं जिस बीच में आपने कुछ भी नहीं खाया होता है। तो आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो पूरी तरीके से आपके ब्रेकफास्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि 11 घंटे तक आपके शरीर के अंदर कुछ नहीं गया होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेकफास्ट अच्छा लें। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो आप अपने पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो फैट को जलाने की शक्ति है, उसको कम कर रहे हैं। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आप दिन भर कुछ ना कुछ गलत चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी, अंदर से मन करेगा कुछ चीज़ें खाने का। दोस्तों जो पांचवी गलती आप लोग करते हैं वो है अगर आप ब्रेकफास्ट में प्रोसेस फूड या फ्राइड खाना खाते हैं। अगर आप कुछ भी फ्राइड या प्रोसेस खा रहे हैं
तो आप समझ लीजिए कि आप अपने वेट लॉस को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो प्रोसेस फूड होते हैं जैसे कि जूस, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट वगैरह, इनमें काफ़ी सारी चीनी मिली हुई होती है जो आपके पूरे शरीर को इफ़ेक्ट करती है। साथ ही साथ अगर आप तला हुआ पूरी वगैरह खाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा तेल होता है जो फिर से आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि जब भी आप सुबह ब्रेकफास्ट करें तो हेल्दी चीज़ें खाएं, जैसे कि फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं और इस तरीके की चीज़ें खाएं जो आपको हेल्दी रहने में मदद करें। दोस्तों जो आखिरी गलती है जिसको आप करते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है, वो है ज़रूरत से ज़्यादा सोना या देर तक सोना। देखिए दोस्तों, अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो अपने आप ब्रेकफास्ट भी देर में करेंगे। अगर आप ब्रेकफास्ट देर में करेंगे तो आपके आगे की दिन के खाने भी लेट में होंगे और इससे आपका जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाएगा। आइडियली आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसके बाद 8 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेकफास्ट की टाइमिंग और अपने बाकी दिन के सारे खाने की टाइमिंग अच्छे तरीके से मेंटेन करें ताकि जो आपका वेट लॉस है वो और जल्दी और बढ़िया तरीके से हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो से आपको पता चला कि कौन सी ऐसी 6 आदतें हैं जो आपके दिनचर्या में हैं और उसकी वजह से आपका जो वेट लॉस है वो नहीं हो पा रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।